स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइन विथ निधि में। आज मैं आपके लिए काजू की कतली का रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है बनने में और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनेगा और मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। एंड दिवाली में हम सब पसंद करते हैं काजू कतली खाना, तो ये 2 टुकड़ों वाली काजू लिया है मैंने, बहुत सस्ती मिलती है जो खड़े काजू होते हैं उससे, इसे मैंने इसको लिया। और पीसना है तो ये ज़्यादा सही होता है, तो इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है, ज़्यादा दरदरा भी नहीं पीसना, अभी मैं दिखाऊंगी कैसा पीसना है। और इसको आराम से चलाएं, ज़्यादा पतला ना करें क्योंकि उससे तेल निकल आता है काजू से। तो इसको मैं अच्छे से छान लूँगी ताकि जो भी इसमें लम्स हो या फिर ददरा हो वो सब निकल आए, बिना छाने ना बनाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़े भी होते हैं जो कि काजू की जो कतली होती है वो सॉफ्ट बनती है, अगर ददरा रहेगा इसमें तो वो अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए मैं स्पून से हेल्प से इसको मतलब छान रही हूँ, और जो लम्स पड़ रहे हैं उसको भी चम्मच से हटा दूंगी मैं। ये देखिए मैश कर दीजिएगा तो इसमें सारे निकल जाएंगे, ये सारे लम्स हैं, काजू के टुकड़े नहीं हैं। तो ये देखिए अब इसमें जो बचा हुआ पार्ट है दरदरा वाला, वो अभी मैं दिखाती हूँ आपको जूम करके कैसा है। एंड इसको दोबारा मैं पीस लूँगी मिक्सी में डाल करके, क्योंकि ये जब हम इसको बनाएंगे ना तो काजू की जो कतली है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी और अच्छी कंसिस्टेंसी में भी नहीं आएगी। तो इसमें जितने लम्स है वो मैंने निकाल दिए स्पून से मसल के, एंड अब इसको क्या करूँगी मैं दोबारा से पीस लूँगी। आप चाहें तो इसको दोबारा पीसें, नहीं तो रख सकते हैं, खीर और हलवा में डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना मोटा बचा हुआ है, इसको मैंने दोबारा पीस करके पाउडर बना लिया है। पाउडर की जो कंसिस्टेंसी होगी न ज़्यादा मोटी होगी न ज़्यादा पतला होगा। ये देखिए अभी दिखाती हूँ मैं हाथों से, ये देखिए ऐसा बनाना है जैसा मैंने इसमें बनाया है, आपको पता चल जाएगा देख करके। ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। अब ये पाउडर तैयार है, अब हम यहाँ बनाएंगे चाशनी। इसके लिए मैंने क्या किया है, जितना काजू है उसका आधा हम चीनी लेते हैं। ज़्यादा चीनी लेंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, कम लेंगे तो थोड़ा मीठा कम हो जाएगा, पर अगर आप कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा कम ही लें। तो मैंने चीनी जितना लिया है, आधा कप चीनी लिया है, तो उसका आधा या 3/4 पानी डाल करके चीनी को घुला लिया है। यहाँ पे चीनी को सिर्फ घुलाना है, चाशनी नहीं बनानी है, ना एक तार की ना दो तार की कोई चाशनी नहीं बनानी है। चाशनी हम इसलिए यहाँ नहीं बनाते हैं क्योंकि अगर हम चाशनी बनाएंगे तो जो काजू की कतली है वो बाद में हार्ड हो जाएगी। देखिए अभी चीनी घुली नहीं है, दानेदार दिख रही है, इसको और अच्छे से हम घुलाएंगे। एंड गैस का जो फ्लेम है लो मीडियम रख, जैसे ही चीनी सारी गल जाए वैसे ही हम इसमें काजू का पाउडर डाल देते हैं, क्योंकि हम इस चीनी की चाशनी जो है मोटी पतली कुछ नहीं करते, बस पानी की कंसिस्टेंसी में रखते हैं। जितना अच्छा इसका कंसिस्टेंसी होगा उतना अच्छा, उतना सॉफ्ट आपकी काजू की कतली बनेगी, उतनी परफेक्ट बनेगी। तो घुल गई ये सारी चीनी, मैं यहाँ पे काजू के पाउडर जो बनाए थे वो डाल दिए मैंने, एंड इसको अच्छे से चलाऊंगी मैं। इसको कंटिन्यू चलाते रहें और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें, नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेगा, क्योंकि चीनी की जो वो होती है प्रवृत्ति होती है, नेचर जो है चीनी का, वो अगर पिघले तो वो बर्तन में या फिर किसी में जल्दी पकड़ता है और इससे फिर लम्ब्स बन जाएंगे तो काजू की कतली अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के लगभग भर के घी डाला है, देसी घी डाला है। ज़्यादा नहीं डालना है, कम ही डालना है, क्योंकि काजू में भी वैसे ही ऑयल होता है, ज़्यादा होता है, ऑयली उसका नेचर होता है काजू का, इसलिए मैंने 1 ही चम्मच डाला है ताकि वो चिपके नहीं और अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए ये थोड़ा सा मोटी हो, इसके पानी एब्जॉर्ब होने लगा है, और मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल दिया ताकि इससे अच्छी खुशबू आए और अच्छा सा टेस्ट आए। कोई भी मीठा चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा इलायची का पाउडर डाल देने से उसका अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी अच्छा आता है। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी जो है इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। एंड अभी मैं चम्मच से करके दिखाऊंगी, जब ये गोली बनने लगे बैटर का तो समझिए कि ये जो है कतली बर्फी जमने के लिए रेडी है। तो ये देखिए हाथ में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया ताकि चिपके नहीं, एंड बहुत गर्म है इसलिए मैं थोड़ा सा आराम आराम से कर रही हूँ। ये देखिए गोली बनने लगी है, यानी कि ये अब काजू की कतली सेट होने के लिए तैयार है। तो इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको बंद करके इंडक्शन को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट तक। तब तक मैंने यहाँ क्या किया, बटर पेपर में थोड़ा सा घी लगा लिया है, क्योंकि जो हम काजू की कतली को काटेंगे बैटर को यहीं पे सेट करना है, इस पे ही बटर पेपर। नहीं आपके पास बटर पेपर तो आप थाली में भी घी लगा करके वहाँ पर भी इसको सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे पास है तो मैंने उसको यूज कर लिया है। तो इसको अच्छे से गोली बना ले, थोड़ा ठंडा हो गया इसलिए हाथ से भी हो जा रहा है। एंड कोशिश करें कि स्क्वायर बेले, अगर स्क्वायर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, उसका भी आइडिया है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, इस पर बैटर पे थोड़ा सा घी लगा दिया ताकि ये बेलन में चिपके नहीं। तो ये देखिए इसको अच्छे से मैंने बेला है, मैंने बहुत कोशिश करी है कि ये स्क्वायर में बिले, लेकिन नहीं मिल पाया मुझसे स्क्वायर में। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से बेल लिया है मैंने, और देखिए बेलते बेलते ही ये सेट होने लगा है, मतलब कि काफ़ी परफेक्ट बनने वाली है ये काजू की कतली। इसको मैंने काफ़ी ट्राई किया, ये नहीं हो रही है मुझसे। तो अब मैं क्या करूँगी, एक स्केल है मेरे पास, उससे इसको क्या करूँगी, चारों कोनों से काट के इसको हटा दूंगी किनारे को, और स्क्वायर शेप में ला दूंगी। तो हो गया अभी बिल गया। आप अपने चॉइस के हिसाब से थोड़ा सा और मोटा रखें, थोड़ा पतला रखें। मैं अपने चॉइस के हिसाब से इसको पतला कर रही हूँ कि मुझे कितनी पतली काजू की कतली का शेप पसंद है। तो ये ऑलमोस्ट डन है। अब ये इसको मैं देखिए स्केल से ऐसे रख दिया मैंने, एंड किनारे से इसको काट करके हटा दूंगी बराबर। ये देखो मैंने चाकू से नहीं काटा, इससे पिज्जा कटर से काटा, इससे थोड़ा सा ये इधर से उधर जा रहा है, आड़ा तिरछा हो रहा है। आप चाकू से काटेंगे तो नहीं होगा ऐसा। एंड इस किनारों को निकाल के रख दें आप। इसको ये बाद में भी इसको फिर से डायमंड शेप में कर सकते हैं, जब ये हार्ड हो जाए तो आप इसको कढ़ाई में फिर से गर्म करें और फिर से बेल लें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से ये बेल जाएगा। गर्म होने बाद फिर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको मैंने क्या किया, स्केल रख के यहाँ पे इसमें क्या किया, 1.5 इंच का निशान लगा के काट लिया है, निशान लगा दिया है। एंड अब स्केल रख दिया उस 1.5 इंच पे और काट दिया। एंड अब मैं क्या करूँगी, ऐसे डायमंड शेप में काट दूंगी स्केल रख के। तो पहले तो मैंने 1.5 इंच के साइज पे स्क्वायर वर्टिकल लाइन खींची, एक सीधी लाइन खींची है। एंड अब मैं डायमंड शेप में काट रही हूँ। तो बर्फी बिल्कुल तैयार है, इसको काट लेंगे और काट काट करके शेप में छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट छोड़ दे, ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तब हम जब बर्फी निकालेंगे तो ये पिघले वो टूटेगा नहीं। तो ये देखिए कितनी टेस्टी बर्फी तैयार है। एंड इसको दिवाली के मौके पर हर कोई खाता है, तो बाहर का व्हाइट कलर कोरोना है तो। और अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।